तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसका वेट बिठा लिया है, और वेट को चेक करने से फिट करने से पहले हमने यूँ चेक करना है। ये देखें बिल्कुल ईजी मूव होना चाहिए इसका रॉड, जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ इसे घुमा के। तो ये देखें इस तरह से माशाल्लाह ये ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका क्या चेक कराना है आपको, कि इसका गियर गुच्छा सही है कि नहीं, और गियर गुच्छे की फ़िटिंग भी मैं आपको बताता हूँ। और फिटिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका गियर गुच्छे का ये जो बैरिंग है, ये आपने लाजमी चेक करना है कि ये आया कि बैरिंग ख़राब तो नहीं है। ये बैरिंग अगर ख़राब होगा तो इस वजह से मतलब गियर लगाते टाइम चाल भी आएगी शाफ्ट में, और दूसरा ये कि आवाज़ भी करेगा, और जब मतलब इंजन स्पीड में होगा तब ये आवाज़ भी करेगा। तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की आवाज़ें होती हैं, यहाँ के बैरिंग की और उस कवर के बैरिंग की आवाज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि ओके है कि नहीं। तो ये देखें गरारे फिट करने से पहले आपने क्या करना है, ये पूरी शाफ्ट फिट करने से पहले ये करना है कि देखें ये एक अदद लॉक लगा हुआ है, इसकी जगह पर एक स्टार वाशर आएगी। ये देखें ये एक ये स्टार वाशर आएगी, इस तरह से एक स्टार वाशर आई। उसके बाद एक गरारी आनी है, एक गरारी लगाते हैं हम। ये देखें एक ये गरारी आएगी, इस तरह से हमने ये गरारी लगानी है। और इसके बाद एक वाशर आएगी, वाशर तो आपको खुद ब खुद बता देगी कि मैंने कौन से लगाने हैं लगना है। तो ये देखिए मैंने जिस तरह से दो तीन वाशर उठाए हैं, अब इनमें से कोई भी एक लगानी है वैसे तो, और किस तरह से ये देखें, ये देखें ये तो नहीं लग रही, ठीक है अब और लगाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे ये देखें ये लग चुकी है। तो वाशर तो ज़्यादातर वाशरों का ध्यान रखा करें कि एहतियातन सही होता है। तो ये देखें ये गरारी आएगी इस तरह से, तो ये देखें इसकी उभरी हुई जगह जो है ये नीचे की तरफ जाएगी, और ये जो प्लेन जगह वो ऊपर की तरफ आएगी। ये लगाने के बाद आपने एक वाशर लगानी है इस तरह से। ये हमारा गियर गुच्छा ये तो फिटिंग हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर और फिटिंग करते हैं दूसरी शाफ्ट का। ये देखें ये दूसरी शाफ्ट में भी इस तरह से ऐसे ही आएगा, एक लॉक लगा हुआ। इसके बाद क्या आएगा, ये एक स्टार वाशर आएगी, इस तरह से एक स्टार वाशर आ गई। स्टार वाशर के बाद एक गरारी आती है, एक अदद गरारी आती है ये वाली। तो ये देखें ये गरारी इस तरह से आप चेक कर लें, और फिटिंग करने से पहले आप इसके दांते हैं चेक कर लें कि ये देखें ये दांते आया कि कहीं ख़राब तो नहीं है। ये दांते इस तरह से चेक कर लें, और इसके भी दांते चेक कर लें, और इस तरह से ये सारों के दांते चेक कर लें कि दांते ठीक है कि नहीं। इस तरह से जब आपने ये फिट कर लिया, एक अदद और वाशर आएगी वो यहाँ पर आएगी इस तरह से। ये देखें यहाँ पर एक वाशर आएगी। ये वाशर लगाने के बाद क्या करना है हमने, तो ये देखें जिस तरह से मैं फ़िटिंग कर रहा हूँ इस तरह से ही आएगी। तो ये देखें इस तरह से ये फ़िटिंग होनी है, ये देखें इस तरह से ये फ़िट होना है, और फिट यहाँ पर होगा। और ये फ़िटिंग करने से पहले हमने गियर ड्रम को चेक कर लेना, और गियर ड्रम की सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें गियर ड्रम फिट करने से पहले आपने क्या चेक करना है कि ये देखें ये जो इसके फिंगर हैं, राइट वाला और लेफ़्ट वाला, दोनों फिंगर आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पर कटे हुए तो नहीं है। यहाँ पर अगर कटे हुए होंगे, जहाँ पर मैंने उंगली लगाई है ये नाखून से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जब अगर ये कटे हुए हैं, कटने की वजह से गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। आपको कभी भी लाइफ टाइम गियरों का मसला कभी नहीं होगा। आप मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जब तक आप मेरी वीडियो गौर से नहीं देखेंगे तो ज़्यादा से बात आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपने लाजमी है मेरी वीडियो देखनी है। तो ये फिंगर दोनों तरफ से देखने हैं, दोनों तरफ से यूँ चेक कर लें कि ये फिंगर ठीक है कि नहीं, फिंगर में कोई मसला प्रॉब्लम तो इस तरह से कुछ तो नहीं है। तो यहाँ से आपने इस तरह से लचक वगैरह देख लेनी है, ये कटिंग देख लेनी है, यहाँ पे ये देख लेना है, और ये दूसरा फिंगर भी आपने चेक करना है। ये देखें इस तरह से ये भी चेक करना है। तो ये दोनों फिंगर जब आप यूँ चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल ओके है फिंगर, ये फिंगर जब आप ये दोनों यूँ चेक कर लें तो ये फिंगर हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है, और गरारियाँ इस साइड पर आएँगी। तो चलते हैं फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। All right.
तो ये देखें इस तरह से ये फिट हो चुका है। तो आपने ये गरारी फिर से वापस लगा देनी है, और ये फिटिंग करने के बाद आपने हैंडल का यहाँ पे चोट लगानी है, यहाँ पे चोट लगा कर चेक करना है कि गरारी फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही।